So hey guys, this is Farhan Afzal. Welcome again. हो चुके हैं अपने वही पुराने ग्राउंड में रिव्यू के लिए. रिव्यू है आज TVS Raider का. वेलकम टू माई YouTube चैनल. मेरा नाम फारहान अफजल है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे. आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS Raider की. मैं बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप TVS Raider को चूज़ करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप चूज़ नहीं करेंगे. यानी बात होगी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की, प्लस जो एक्सपीरियंस 3 महीने में मिला है उसको मैं शेयर करूँगा. ये बाइक ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा किलोमीटर चल गई है. अभी TVS ने ऑलमोस्ट बहुत अच्छी कॉम्पिटिटर बाइक लाई है 125 सेगमेंट में. आप देख रहे होंगे ये कितना बल्की लुक है, किसका डैशिंग लुक है इसका. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी चीज़ों को बताना. मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, क्यों बाइक आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या ये होंडा शाइन से अच्छी है नहीं है, या इसकी और भी रिवाइलरीज जितनी है बाइक्स क्या उसको कंपटीशन दे पा रही है कि नहीं, इसका मार्केट में प्राइस के हिसाब से क्या ये दे रही है TVS, क्या इसका माइलेज है और क्या इसकी स्पीड है, सब डिस्कस करने वाले हम. और मैं आज टॉप स्पीड भी नापने वाला हूँ इसमें. तो देखते हैं, लेट्स सी, शुरू करते हैं इस वीडियो को. शुरुआत हमेशा हमेशा अच्छी चीज़ों से होनी चाहिए. तो मैं सबसे पहले इसके एडवांटेजेस को बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें क्या क्या खूबियाँ हैं जो इस बाइक को एक अच्छी 1.25 सेगमेंट की एक अच्छी बाइक बनाता है. सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप तो मुझे जो सबसे प्यारा और अट्रैक्टिव चीज़ लगता है, अगर आप बाइक चला रहे हो ना, एक आपके दिल में ना छोटी छोटी बुलबुले टाइप के उठेंगे. आप इसका कंसोल मीटर देखो, इधर आइए आप, कंसोल मीटर देखिएगा तो क्या खूबसूरत कंसोल मीटर बनाया है इन्होंने. इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि कभी कभी 150 cc बाइक में भी नहीं रहती. आपको गियर शिफ्टिंग है, टाइमिंग बताते हैं, ट्रिप मीटर है. आप देखिए यहाँ पर, जैसे अगर मैं पावर को ऑन करूँगा तो ये पावर मोड में शिफ्ट हो गया. अभी मैं इको में डाल रहा हूँ तो इको में भी चला जाता है, ठीक है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, प्लस आप कितना ओवरऑल चला चुके हो, RPM की इन्फॉर्मेशन है. दैट्स रियली क्विक, और क्विक के साथ सारी इन्फॉर्मेशन एक कंसोल मीटर में है, तो विच इज़ रियली गुड. और इसमें जो सबसे कंसोल मीटर में एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपकी जो रिपेयरिंग है यानी सर्विस है वो लैप्स हो गई है या फिर आपने करवा लिया है, ठीक है. तो ये कंसोल मीटर की सबसे अच्छी बात है. दूसरे, अगर मान लीजिए कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ बारिश हो जाती है, मान लेते हैं अनएक्सपेक्टेड, तो हमें क्या होता है कि अरेंज करना पड़ता है अपना मोबाइल वगैरह रखने के लिए और हम बारिश को एंजॉय नहीं कर पाते. तो ये चीज़ TVS ने बोला कि भाई अब तो आप बारिश को एंजॉय कीजिए. कैसे एंजॉय कर सकते हैं, जो पीछे इन्होंने स्पेस दिया है बहुत शानदार, बहुत शानदार. एक छोटा सा स्पेस है जिसमें आप मोबाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स, सारे कुछ रख सकते हैं, तो ये अट्रैक्टिव बनाता है. तो बाइक में आप देख रहे होंगे एक स्विच दिया गया है, ठीक है. इसमें ये फर्स्ट 125 सीसी की बाइक है जिसमें राइडिंग मोड दिया गया है, यानी ये पावर और इको. अगर इको में चलाएंगे तो माइलेज आपको सही देगा, अगर पावर में आप चलाएंगे बाइक को तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिलेगा आपको. तो ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है. एक इसमें जो फीचर है जो मैंने आपको शायद इस वीडियो में दिखाया होगा वो है इंटीलियो का. इंटीलियो क्या करता है, अगर आप कभी मान लीजिए कि हम इंडियन ट्रैफिक्स में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, है ना, तो अगर मैं बाइक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, और अगर बाइक कहीं पर रोक दी मैंने, तो इसमें इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है. तो उसके जगह पे क्या होगा, जब आप इको मोड में रखते हैं बाइक को और 5 सेकंड के लिए बाइक को रोकते हैं तो ये बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एस्केलेटर हल्का लेना है, बाइक वापस स्टार्ट हो जाएगी. तो विच इज़ आप मतलब आपकी फ्यूल इफिशेंसी भी बढ़ाएगा ये चीज़, प्लस ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है.
अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो एट्रैक्टिव हेडलाइट है, इसमें एलईडी हेडलाइट दिया गया है जो काफी एट्रैक्टिव लगता है। सामने देखेंगे तो बहुत ही डैशिंग लुक दिया गया है, 125 सेगमेंट के हिसाब से ये जो लुक है इसका काफी बल्कि और खूबसूरत लग रहा है, जो मुझे काफी पर्सनली बहुत पसंद है इस चीज का। अब बात करते हैं इसके माइलेज का, तो मैं बता दूं कि सिटी राइड में जो इको पे अगर चलाएंगे, इसमें जो जैसा मैंने बताया दो मोड है इको एंड पावर, तो इको में अगर चलाएंगे तो आपको 45 से ऊपर देता है माइलेज, लेकिन 45 टू 50 ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक माइलेज टेस्ट भी करने वाला हूँ। और अगर आप पावर मोड में चलाते हैं तो ये 40 टू 45 का माइलेज देता है ठीक है। और ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा राइडिंग स्किल्स पर भी कि माइलेज ये कितना आप इस पर अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, जो इसका पावर है तो लगभग 11 BHP का पावर दिया गया है, जो रिवेलरीज है जैसे पल्सर शाइन, मुझे लगता है ये पर्सनली पावर में उन बहुत सही है, मतलब जो इसका रिस्पांस है इनिशियल पिकअप है पावर मोड में बहुत ही खूबसूरत है। इसकी स्टाइलिंग देख रहे होगे आप, जैसे अगर बाइक पर अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो देखिए काफ़ी स्टाइलिश लुक है, काफ़ी जो डिज़ाइनिंग है इसकी, जो इसके हेडलाइट्स है काफ़ी अच्छे तरीके से TVS ने डिज़ाइन किया है, तो ओवरऑल लुक भी अच्छा है। और अगर आप पोस्चर की बात करें बैठे जाने के तरीके की, तो देखिए आप एकदम कंफर्टेबल है बाइक। इसका जो सस्पेंशन है इसमें मोनो सस्पेंशन दिया गया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है। और 125 cc के सेगमेंट में सिर्फ दो बाइक्स में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ग्लैमर में हीरो के और दूसरा है TVS रेडर में, विच इज़ रियली एक मतलब आपको बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बाइक चलाते समय ब्लूटूथ भी यूज़ कर सकते हैं बाइक के साथ कनेक्ट करके, विच इज़ रियली गुड। अगर मैं बात करूँ इसकी एक और खूबी जो मुझे बहुत ही पसंद है, हालांकि इस मॉडल में नहीं है, अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक USB पोर्ट होता है ठीक है, USB पोर्ट, लेकिन हाउएवर इस मोड में नहीं होता, इस वाले मॉडल में नहीं है, लेकिन USB पोर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर जगह दिया गया USB पोर्ट के लिए ठीक है, अलग अलग मॉडल होते हैं इसके, इस मॉडल में अभी USB पोर्ट नहीं है ठीक है। गाइस तो बहुत सारी छाइयों के बाद आते हैं, चलिए बात करते हैं कुछ चीज़ें। देखिए हर बाइक्स में कुछ ना कुछ चीज़ें डिमेरिट भी होती है, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है। जो मुझे लगता है वो है LED, जो इसका इंडिकेटर है वो LED नहीं है, मतलब अगर इंडिकेटर्स पुराने वही बल्ब वाले इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो कि अभी हमारा नया जनरेशन है नया यूथ है, तो हम हमेशा अट्रैक्टिव चीज़ों पे जाते हैं। जैसे कि अगर इसका मान लीजिए कि जो इंडिकेटर्स हैं अगर ये LED होते तो ये कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आई एम राइट। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ इसके एक और फीचर्स की जो नहीं है, जो कि सच में कमी खल रही है मुझे, वो है इसके इंजन किल स्विच बटन की। तो इंजन किल स्विच बटन बिल्कुल नहीं दिया गया है इसमें ठीक है, तो इंजन किल स्विच बटन नहीं दिया गया है। हाउएवर जो एक अच्छा फीचर्स इसमें ऐड किया गया वो ये है कि अगर बाइक चालू है ठीक है, मैंने इसको चालू कर रहा हूँ, अब अगर मैं स्टैंड को नीचे करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये भी एक अच्छा फीचर्स है और ये सेफ्टी के लिए बहुत सही है। पहले हम क्या करते थे कि कभी भी बाइक को स्टार्ट मतलब देखते ही नहीं थे कि स्टैंड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, गाड़ी आगे बढ़ा देते थे, कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं इस चीज़ को लेकर। इंजन किल स्विच के बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए थी, तो 125 cc सेगमेंट की बाइक में किक होना ज़रूरी है, जो इसमें मिसिंग है, तो किक इसमें नहीं है। और यूज़र्स जिनकी ये बाइक है उस यूज़र से मैंने उन्होंने भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। एक तो जो ये सॉकर है उनका, आप देख रहे होंगे ये सॉकर लीक करने लगा है, मतलब बहुत ही जल्दी, हालांकि वो रफ भी नहीं चलाते हैं, वो मतलब लगभग 45 to 60 ईयर्स के व्यक्ति हैं, देख रहे होंगे आप ये लीक करने लगा है। और उन्होंने बताया कि दो बार इसका क्लच वायर जो है वो टूट गया है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, मतलब 3 महीने में 2 बार किसी बाइक का जो कम्यूटर सेगमेंट की है अगर उसका क्लच वायर टूट जाता है तो ये भी एक डिमेरिट में आता है। तो ओवरऑल गाइस मैंने आपको ये बताया कि
जो TVS Raider है वो उसकी अच्छाई क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आप भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लस अगर आप चाहते हैं कि इस सेगमेंट की और बाइक के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं इस सेगमेंट की और बाइक जैसे होंडा शाइन हो गई, ड्यूक 125 हो गई, RC 125 हो गई, पल्सर 125 हो गई, और ग्लैमर 125, कोई भी बाइक जो 125 सेगमेंट की है, अगर आप इससे कंपेयर चाहते हैं, कोई ड्रैग रेस चाहते हैं, तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसको करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा।